तो यहाँ पे जो है वो 2 बिट एडिशन थी, यानी कि 1 1 जो है वो 2 बिट है, 0 1 2 बिट है, तो इसलिए यहाँ पे दो एडर्स लगे हैं, एक हाफ एडर लगा या फुल एडर भी हो सकता है और एक फुल एडर लगा। अगर ये 3 बिट होता यानी कि 0 1 1 1 0 1, तो फिर यहाँ पे इसके बाद एक और एडर आ जाता, ठीक है। 4 बिट होता तो उसके बाद एक और एडर आ जाता, 5 बिट होता उसके बाद एक और एडर आ जाता, इस तरह से एडर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इसकी डायग्राम भी होती है, वो डायग्राम मुझे मिली नहीं थी और मेरे पास टाइम नहीं था उसको बनाने का, तो मैं टीचर का लेक्चर यहाँ पे खोल के दिखा देती हूँ, उसमें होगा। ये नीचे आ रही है, हाँ ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना सेम वही वाला ये है बना हुआ है, ये देखें, sum 1 sum 2 sum 3, ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। तो सम हमारे पास निकलता कैसे है, सम हमारे पास निकलता है ए जोर बी करके, ठीक है। हाफ एडर क्योंकि ये हमने लगाया है, ए जोर बी करके हमारे पास सम आया है, तो ए बी ए वन बी वन, ठीक है। ए वन बी वन का जोर किया तो हमारे पास सम वन आ गया, फिर ए वन बी वन का हमने एंड किया तो हमारे पास सी आउट आ गया, ठीक है। ए वन बी वन का जोर किया तो सम वन आ गया, ए वन बी वन का हमने एंड किया तो हमारे पास सी आउट आ गया, ठीक है। अब सम टू कैसे हमने निकालना है, सम टू क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पे हमारे पास सम वन निकला हुआ है और सी आउट जो है वो इसकी सी इन से जाके कनेक्ट हो रहा है, तो बी ए टू बी टू का हमने जोर किया, ठीक है। और एक और जोर गेट लगाया जिसके अंदर ए वन बी टू ए टू बी टू की जोर की आउटपुट को हमने उस जोर के अंदर लगा दिया, ठीक है। और ये जो हमारे पास सी आउट निकला था ना, इस सी आउट को भी हमने उसकी इनपुट कर दी, तो हमारे पास ये सम टू आ गया, ठीक है। ए वन बी वन का एंड हमारे पास सी आउट आया, जिसको हमने एक जोर गेट में लगाया जिसकी एक इनपुट सी आउट थी और दूसरी इनपुट ए टू बी टू का जोर था, तो ये हमारे पास सम टू आ गया। अब हमें सम थ्री चाहिए, ठीक है। सम थ्री चाहिए तो जो है ए टू बी टू का हमने एंड किया तो ए टू बी टू का ये आउट निकल कर आ गया, ठीक है। तो ए टू बी टू का हमने जो है एंड किया तो ये जो है एक और गेट में गया है, ठीक है। ये एक और गेट में गया है और फिर ए टू बी टू का जो जोर किया था ना उसको एक एंड गेट में किया और सी आउट को एक एंड गेट में किया, ठीक है। मैं दोबारा से बताती हूँ, सम वन हमने निकाला है ए वन बी वन के जोर से, सम वन का जो सी आउट हमने निकाला है वो हमने निकाला है ए वन बी वन के एंड गेट से, ठीक है। सी आउट को हमने जो है वो सम टू का जो जोर गेट बना था उसमें एक इनपुट दे दी और दूसरी इनपुट क्या दी, ए टू बी टू के जोर की, तो ये हमारे पास सम टू आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सम थ्री कैसे निकाला है, ठीक है। सम थ्री हमने कुछ इस तरह निकाला है कि ए टू जोर बी टू का हमने एक एंड गेट में इसकी आउटपुट कर दी और सी आउट को जो है वो हमने इसकी सी इन करके एंड गेट कर दिया, ठीक है। और फिर हमने एक एंड गेट लिया जिसमें ए टू बी टू को एंड कर दिया और इन दोनों की आउटपुट को एक और गेट में कर दिया, तो ये हमारे पास सम थ्री आ गया, ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम है। अब टीचर ने ना एक सवाल दिया था कि 4 बिट पैरेलल एडर का ट्रुथ टेबल बनाए, ठीक है। तो वो मैंने जो है बुक पे जो है ना उसका पेज नंबर लिख दिया है यहाँ लास्ट में, ये आप जरूर देखिएगा। दिस टीचर ने ना ये चीजें एक्सप्लोर करने को गई थी, एक्स नॉर गेट, एक्स सॉरी एक्स नॉर गेट, हाँ एक्स नॉर गेट और नैंड गेट, इन दोनों को टीचर ने जो है वो एक्सप्लोर करने को कहा है। उसके बाद जो है वो 4 बिट पैरेलल एडर, ठीक है। इसका आईसी नंबर क्या है,
और मतलब कि हमें इतनी लंबी चौड़ी ना डायग्राम ना बनानी पड़े, इसके लिए टीचर ने कहा था कि अगर देख लो अगर इसकी आईसी है तो उसी आईसी को इम्प्लीमेंट करके 4 बिट पैरेलल लैडर बना लो वरना नहीं। तो ये इसका पेज नंबर लिख दिया, ये आप देख लेना। MSB जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, LSB जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, ये हमने उसमें पढ़ा था। बताती हूँ, वो हम आगे पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर आ जाएगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, ठीक है। ये रहा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है जहाँ से लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट जो हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो जो सबसे पहला होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। लेफ्ट टू राइट जो सबसे पहला आता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, ये होता है MSB और LSB, ठीक है। तो ये पैरेलल एडर था, 2 बिट 4 बिट ये सारे, इसमें जितने बिट की एडिशन होती है वो उतने बिट का पैरेलल एडर बन जाता है, ठीक है। अच्छा अब ये भी हो गया, अब हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक्स रहते हैं, एक है कंपैरेटर्स और दूसरा है कन्वर्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहला कंपैरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। कंपैरेटर हमारे पास दो कंपैरेटर होते हैं, एक होता है इक्वालिटी कंपैरेटर, इसको आइडेंटिटी कंपैरेटर भी कहते हैं। दूसरा होता है इन इक्वालिटी कंपैरेटर, इसको मैग्नीट्यूड कंपैरेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो कंपैरेटर्स क्या होता है, बेसिकली कंपैरिजन के लिए होता है, ठीक है। तो अब इक्वालिटी कंपैरेटर क्या करता है कि अगर आपकी इन इसकी ना दो इनपुट होती हैं, या 1 होती है या 0 होती है, ठीक है। या 1 होती है या 0 होती है, हाई या लो। तो इसकी जो है वो 0 तब होती है जब दोनों इनपुट जो हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। और इसकी हाई कब होती है, जब दोनों इनपुट जो हैं वो हाई होते हैं, ठीक है। ये आई थिंक गलत लिखा हुआ है, 1 1 0 0 इस तरह से होना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक है, ये मैंने ही बनाया था तो मैंने ही मिस्टेक किया, मैं इसको सही कर दूंगी। 1 नीचे भी 1 है, 0 यहाँ पे भी 0 है, यानी कि 1 1 हुआ तो 0 आएगा, 0 0 हुआ तो 0 आएगा। हाँ मेरी, मैं जोर से बोल रही हूँ, इससे ज्यादा मैं और कितना जोर से बोलूँ, मेरे माइक, मेरा मुंह मेरे माइक पर ही है बिल्कुल। अच्छा तो अगर 1 1 हुआ या 0 0 हुआ तो आउटपुट 0 आएगा, 0 1 या 1 0 हुआ तो आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। इससे कुछ याद आया कि ये जोर की एक्सप्लीकेशन है कि अगर सेम इनपुट्स होती हैं तो आउटपुट 0 आता है, अगर डिफरेंट इनपुट्स होती हैं तो आउटपुट 1 आता है। तो इनइक्वालिटी और आइडेंटिटी कंपैरेटर समझ लें जोर गेट है, ठीक है। ये इनइक्वालिटी और इक्वालिटी इतना ही था कंपैरेटर, ठीक है। अब सॉरी इक्वालिटी, इनइक्वालिटी तो अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा अब जो है वो हमारा आता है इनइक्वालिटी या फिर मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें तीन कंडीशंस होती हैं, या ए और बी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या ए बी से बड़ा होता है, या ए बी से छोटा होता है, ठीक है। ये कुछ कंडीशन इस तरह से चलती है कि हमें ना एक नंबर मिल गया, जैसे दो नंबर मिले हैं, एक नंबर हमें मिला है 0 1 1 0, इसको हमने ए ले लिया। फिर हमें एक नंबर मिला है 0 0 1 1, इसको हमने बी ले लिया। अब इसके जो ये सारे हैं ना बिट्स, इसको हम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट कंसिडर करेंगे, और राइट टू लेफ्ट हम इस तरह से करेंगे कि इसको ए नॉट कर लिया, A1 A2 A3, फिर बी का भी हमने इसी तरह से कर लिया, B0 B1 B2 B3, ठीक है। अब गौर से सुनना, ए हमारे पास आया 4 बिट का बाइनरी, बी हमारे पास आया 4 बिट का बाइनरी। अच्छा दोनों का इक्वल होना लाजमी है, यानी कि अगर ये 4 बिट है तो ये भी 4 बिट हो, ये 3 बिट है तो ये भी 3 बिट हो, ये 2 बिट है तो ये भी 2 बिट हो, ताकि हम इसका कंपैरेटर कर सकें।
अच्छा राइट टू लेफ्ट हमने क्या कर दिया, ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री, बी नॉट बी वन बी टू बी थ्री कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे कंपेयरिंग करना, ठीक है। जीरो को यानी कि ए थ्री को, सॉरी ए नॉट से स्टार्ट करेंगे, सो कंटिन्यू एक मिनट, ए थ्री से करेंगे आई थिंक, हाँ ए थ्री से करते हैं, ठीक है। ए थ्री को बी थ्री से कंपेयर करेंगे, तो ए थ्री क्या है, ज़ीरो, बी थ्री है ज़ीरो, ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो इज़ ज़ीरो, यानी कि इस पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, ए इज़ इक्वल्स, ए थ्री इज़ इक्वल्स टू बी थ्री। जब हमारे पास इक्वल्स टू आ जाता है ना, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं दूसरे बिट्स कंपेयर करना, ठीक है। ए टू हमारे पास है वन, बी टू हमारे पास है ज़ीरो, ए वन को ज़ीरो से कंपेयर करो तो वन बड़ा है ज़ीरो से, तो क्या हुआ, ए टू इज़ ग्रेटर देन बी टू, हमारी कंपेरिजन यहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। दोबारा से सुना, हम कंपेयर करते हैं ए थ्री को बी थ्री के साथ, ए टू को बी टू के साथ, ए वन को बी वन के साथ, ए नॉट को बी नॉट के साथ, सही है। कंपेरिजन हम इस तरह करते हैं कि अगर हमारा इक्वल्स टू आता है तो हम कंटिन्यू रखते हैं कंपेयरिंग, लेकिन जैसे ही हमारा कोई एक नंबर बड़ा आ जाता है तो हम वहीं पे अपनी रोक देते हैं, ठीक है। जैसे हमने ए थ्री को बी थ्री से किया, वो इक्वल आया, हमने नेक्स्ट कर दिया। फिर हमने ए टू को बी टू के साथ किया, तो क्या आया कि ए बड़ा है बी से, हमने वहीं पे अपनी कंपैरिजन रोक दी, हमें हमारा आंसर मिल गया कि जो ए है वो बड़ा है बी से, तो हमें नेक्स्ट कुछ कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास, अगर ए छोटा होता बी से तो फिर हमारे पास आंसर आ जाता कि बी इज़ ग्रेटर देन ए, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये होती है कंपेरिजन इन इक्वालिटी, ठीक है। तो कन्वर्टर कंपेरेटर्स का यही एक कंपेरेटर था, इन इक्वालिटी और इक्वालिटी, जो कि कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं कन्वर्टर्स, एक मिनट दिएगा। कंपैरेटर का मुझे इतना आइडिया नहीं है कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। इसका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि वो दो नंबर दे दें, एडिशन करो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि टीचर इसका कोई सवाल देंगी नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटे से टॉपिक है, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं या दूसरी चीज़ों में, लेकिन एमसीक्यूज तो हमारे पास होगा नहीं, तो यही है। नमाज ब्रेक चाहिए, नमाज ब्रेक चाहिए, तो आप लोग ले लें, कितनी देर का, दस मिनट इनफ है या पंद्रह मिनट, पंद्रह मिनट ले लें आप लोग, फिर हम कोड कन्वर्टर्स कर लेते हैं। हाँ नमाज ब्रेक का मैसेज आया है, चलें फिफ्टीन मिनट्स हम ले लेते हैं, फोर ट्वेल्व सॉरी 4:25 पे हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। हाँ कोड कन्वर्टर्स है हमारे पास, हाँ कोड कन्वर्टर्स हमारे पास लास्ट टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है। इक्विवेलेंस में पढ़ा चुकी हूँ, इसका रिवीजन कर लेंगे और बस यही है। सही, आप लोग 15 मिनट का ले लें और फिर हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ही है बस, ये हमारा कोड कन्वर्टर्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसको बहुत गौर से सुनिएगा जब बी सी डी की बात कर रहे हैं, ठीक है।
बीसीडी जो होता है वो हमारा सेवन सेगमेंट डिस्प्ले, एक सेवन सेगमेंट डिस्प्ले पे होता है, ठीक है। सेवन सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है, जो यूं करके लाइंस बनी हुई होती हैं। ठीक है, ये जो लाइंस बनी हुई होती हैं ये हमारा सेवन सेगमेंट डिस्प्ले होता है। इस पे जो है वो नंबर वन बन सकता है, ठीक है, नंबर टू बन सकता है, नंबर थ्री बन सकता है, ठीक है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और ये लास्टली नाइन, ठीक है। ये सारे नंबर इसमें बन सकते हैं, ठीक है, ये सारे नंबर। तो इसमें क्या है, इसमें जीरो से लेके नाइन तक नंबर बन सकते हैं, लेकिन बाद जब टेन या इलेवन की आती है तो वो इसमें नहीं बन सकता, ठीक है। तो हमारा जो बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी होता है वो यही होता है। इसमें जीरो से लेके नाइन तक नंबर आते हैं। जीरो से कोई छोटा नंबर नहीं होता, वो होता भी नहीं है, और नाइन से कोई बड़ा नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। अब टीचर एक सवाल देती हैं कि वन वन जीरो वन, ठीक है, वो कहती हैं कि बताओ ये बीसीडी है या बाइनरी है। बाइनरी तो है ये, क्योंकि बाइनरी क्या होता है, बाइनरी हमारा होता है 0110, वो हमारा बाइनरी होता है। तो ऑब्वियसली ये नंबर बाइनरी है, लेकिन क्या ये नंबर हमारा बीसीडी है, इसको आप करोगे डेसिमल में कन्वर्ट, ठीक है। डेसिमल में का मैं शॉर्ट वर्जन क्या है, इसके ऊपर होता है वन टू फोर एट, ठीक है। जहाँ जहाँ वन है उसको प्लस कर दो, तो वन फोर फाइव, फाइव प्लस एट 13, ये नंबर हमारे पास बन रहा है 13। क्या 13 एक बीसीडी नंबर है? नहीं, क्योंकि हमारे पास बीसीडी नंबर ये सब है, 13 हमारे पास बीसीडी नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बाइनरी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये बीसीडी है, ठीक है। अब एक और बात, क्या 0 0 1 ये हमारे पास बीसीडी है? ये हमारे पास बाइनरी है, लेकिन ये हमारे पास बीसीडी नहीं है, ठीक है। क्यों, वो मैं अभी बताती हूँ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 0 0 1 0 0, ठीक है। क्या ये हमारे पास बीसीडी है? नहीं, ये दोनों ही बीसीडी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये 5 बिट है हमारे पास, और ये हमारे पास 3 बिट है। बीसीडी हमेशा 4 बिट होता है, ठीक है, हमेशा 4 बिट होता है। 4 बिट कैसे, अभी फंक्शंस का याद है मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़ा नंबर निकालते हैं, और सबसे जो बड़ा नंबर होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। वो जो जितने बिट्स का बाइनरी होता है ना, उतने बिट के हमारे पास कॉलम्स बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे बीसीडी में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9। 9 का अगर हम बाइनरी करें तो 1 2 4 8, ठीक है, 8 प्लस 1, हमारे पास 8 जो है वो 9 से छोटा है। इसके बाद अगर नंबर आएगा तो वो आएगा 16, 16 हमारा 9 से बड़ा है। तो ये कितने बिट बन रहा है, ये बन रहा है आपका 4 बिट। तो बाय बीसीडी हमेशा 4 बिट होता है, बीसीडी कभी भी 4 बिट से ना तो कम होता है ना तो ज़्यादा होता है, जब भी होगा हमेशा 4 बिट रहेगा। तो ये हमारे पास होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी, ठीक है। अब ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसको याद रखिएगा, बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी हमेशा 4 बिट होता है। ये मैं बताती हूँ कि ये क्या होता है, राइट टू लेफ्ट ब्रेक करने का। सबसे छोटा नंबर बीसीडी में 0 0 0 0 नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर 9 होता है, 1 0 0 1। हाँ, 4 बिट से कम या ज़्यादा नहीं हो सकते, और 4 बिट बाइनरी, फोर बाइनरी। अच्छा, जो बाइनरी होता है ना, बाइनरी में सबसे छोटा तो नंबर 0 होता है, लेकिन बाइनरी में सबसे बड़ा नंबर 15 होता है, ठीक है। तो बाइनरी और बीसीडी दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है।
बीसीडी बाइनरी, वो बाइनरी जो है वो बीसीडी होता है, लेकिन बीसीडी के सारे नंबर बाइनरी नहीं होते, ओ सॉरी बाइनरी ही होते हैं, लेकिन बस डेसिमल में 0 से 9 तक होते हैं। ठीक है, अब आती है कुछ अच्छा, अब ये आता है अच्छा चलो इसको छोड़ो। अच्छा ये कह रहे हैं कि ये बीसीडी नंबर है, इस बीसीडी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो। ठीक है, ये इन्होंने बीसीडी नंबर दे दिया। अब सबसे पहले तो आप सोचेंगे कि ये नंबर तो 4 बिट है ही नहीं, ठीक है, तो बाइनरी हमेशा 4 बिट का होता है, लेकिन जब आपको कोई नंबर दिया जाता है तो वो 4 बिट से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, 4 बिट से कम नहीं हो सकता, 4 बिट से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, अब ये देखो। अब ये है बी सी डी टू बाइनरी, यानी कि बी सी डी को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। से हम कन्वर्टर्स पढ़ रहे हैं, तो बी सी डी को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये जो नंबर है ना, राइट टू लेफ्ट, इसके चार चार के ग्रुप्स बनाएंगे। ये एक चार का ग्रुप बन गया, ये एक चार का ग्रुप बन गया। ठीक है, चार के ग्रुप बनाए राइट टू लेफ्ट, इसके दो ग्रुप बन गए। ठीक है, अब चार का ग्रुप क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा हमारा ये हमेशा 4 बिट का होता है, और फिर इसको हम डेसिमल में करेंगे। तो 1001 इज 9, 0010 इज 2, तो हमारे पास डेसिमल नंबर क्या आ गया, 29। अब इस डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो 29 से छोटा नंबर देखेंगे, 1 2 4 8 16, 16 आया, बड़ा नंबर 32 हो जाएगा, तो 16 पे हमने पॉज किया। 16 + 8 + 4 + 1, हमारे पास 29 बन गया। तो बी सी डी नंबर 0010001 जो है वो हमारा बाइनरी बन गया, 11101। ठीक है, तो ये हमारा बी सी डी टू बाइनरी हो गया। अब हमारे पास कंडीशन आ रही है कि बाइनरी नंबर को बी सी डी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो वो हम इस तरह करेंगे कि ये इन्होंने नंबर दिया है 1111 0 1 2 BCD, तो सबसे पहले इस नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये नंबर हमारे पास आ गया 29 डेसिमल। ठीक है, फिर इसको हम BCD में करेंगे। कैसे, कि ये जो बिट्स है ना, इस बिट्स को हम डिवाइड कर देंगे, यानी 2 को अलग करेंगे, 9 को अलग करेंगे। ठीक है, क्योंकि BCD में 29 तो नंबर नहीं होता है, 0 से 9 तक होता है, तो 9 को हम अलग कर देंगे, 2 को अलग कर देंगे, इन दोनों का बाइनरी निकालेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा BCD। ठीक है, अच्छा अब देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 1895। ठीक है, इसको हमने उसमें करना है, डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर है, इसको ना हम चारों को अलग अलग कर देंगे, 5 को अलग करेंगे, 9 को अलग करेंगे, 8 को अलग करेंगे, 1 को अलग करेंगे, तो ये इस तरह से BCD बन गया। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्रुप है 0010 सॉरी 1011। ठीक है, अब देखो ये जो है, ये हमारे पास ग्रुप है, इसके एंड में 1 लगा देते हैं। इस ग्रुप को हमने चार चार में डिवाइड कर देना, तो कैसे करेंगे कि सबसे पहला तो ये वाला नंबर आ जाएगा।